संभल जिले के चंदौसी में टॉयलेट के निर्माण की मांग को लेकर महिलाओं का अनोखा प्रदर्शन सामने आया है। इलाके की महिलाओं ने नगर पालिका परिषद के कार्यालय पर तीज का त्योहार मनाकर इलाके की महिलाओं के लिए टॉयलेट की सुविधा के लिए इलाके के सार्वजनिक टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। इलाके में टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए महिलाएं नगर पालिका परिषद के कार्यालय पर पिछले 5 दिन से अनिश्चितकालीन धरना दे रही हैं। बता दें कि सार्वजनिक टॉयलेट के निर्माण के लिए महिलाओं ने नगर पालिका परिषद कार्यालय पर धरना देकर तीज का त्योहार मनाए जाने के अनोखे प्रदर्शन का मामला चंदौसी नगर पालिका परिषद क्षेत्र का है। चंदौसी नगर पालिका परिषद क्षेत्र में मारवाड़ी मोहल्ले की तमाम महिलाओं का आरोप है कि मारवाड़ी मोहल्ले के इलाके में महिलाएं सार्वजनिक सुलभ शौचालय की सुविधा उपलब्ध न होने से खुले में शौच करने को मजबूर है। कई महीने पूर्व नगर पालिका परिषद द्वारा इलाके में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने की वजह से महीनों बाद भी टॉयलेट का निर्माण अधूरा पड़ा है। इलाके की महिलाएं टॉयलेट का निर्माण पूरा कराने के लिए नगर पालिका प्रशासन से मिलकर कई बार मांग कर चुकी हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। बरसात के दिनों में खुले में शौच को मजबूर परेशानी से जूझ रही महिलाएं पिछले 5 दिनों से टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नगर पालिका परिषद कार्यालय परिसर में धरने पर बैठी हुई हैं। लेकिन नगर पालिका प्रशासन, तहसील प्रशासन, जिला प्रशासन महिलाओं की सुनवाई नहीं कर रहा है। नगर पालिका प्रशासन जिला प्रशासन तक अपनी मांग पहुंचाने के लिए टॉयलेट की समस्या से जूझ रही इलाके की महिलाओं ने रविवार को धरना स्थल पर ही तीज का त्योहार मनाया। धरना स्थल पर ढोलक की थाप पर मंगल गीत गाए गए। मारवाड़ी मोहल्ले के वार्ड सभासद विमल चौधरी ने और धरने पर बैठी महिलाओं ने नगर पालिका अध्यक्ष इंदु रानी, तहसील प्रशासन और जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पीएम मोदी खुले में शौच को मजबूर महिलाओं को टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए तमाम योजनाएं जारी कर तमाम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पालिका प्रशासन योजनाओं के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार सरकार के प्रयासों पर पानी फेर रहा है। धरने पर बैठी महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की गुहार लगाई है। उधर टॉयलेट में निर्माण में देरी के लिए चंदौसी नगर पालिका प्रशासन द्वारा धन की कमी बताई जा रही है। शौचालय की जो व्यवस्था है, जो नगर पालिका की जिम्मेदारी है, वो प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। जो नगर पालिका का शौचालय है, सार्वजनिक शौचालय है, वो टूटा हुआ है या उसमें ताला लगा हुआ है, और लगातार ये लोग बहुत लंबे समय से मांग कर रहे हैं। पिछली बार भी यहाँ सांकेतिक धरना दिया गया था और ये कहा गया था कि अगर उस पर कार्रवाई नहीं हुई, अगर मान लीजिए उसको नहीं शुरू किया गया, तो फिर लंबा धरना दिया जाएगा। मोदी ने सबको योजना दी, सबके घर घर में शौचालय की गई, लेकिन हमारे मोहल्ले में कोई सुनवाई नहीं भाई, काई की नहीं भाई। धरने पर आप कब से बैठे हुए हैं? हाँ, 5 दिन हो गए और हम इतने परेशान हैं, सारी औरतें कहाँ जाएं? कोई अधिकारी आया नहीं, आया सुनवाई के लिए? आप चेयरमैन अपने घर में तीज मना रही होगी, ना मना रही होगी, और हम सारे जने यहाँ बैठे हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं।